आज का टॉपिक है सेट। ये क्लास 11 के लिए है। आइए देखते हैं आगे बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग को समझ में आ रहा हो क्या करना है, क्या सिखाया जाएगा आज। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए देखते हैं सेट क्या। देखिए क्या क्या आज आपको मैं बता रहा हूं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसी को देखते हैं पहले। ये इस साइड जो लिखा हुआ है ये रोस्टर, ये बिल्ड सेट बिल्डर फॉर्म है, और इधर जो लिखा हुआ है इसी का रोस्टर फॉर्म है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये इसी तरह लिखा जाएगा ब्रैकेट में x सच दैट क्या है, x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 .. इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर। लेकिन आपको एक चीज और कह रहा है, एंड x इज लेस देन 8 यानी 8 से कम है, यानी 8 तक ही जाएगा, 8 से कम होना, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये ऐसे कर दिए a इज इक्वल टू दिस, तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखा गया। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी यही कह रहा है, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, लेकिन कंडीशन सेकंड क्या है, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। तो 28 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1, 2, 4, 7, 14, 28। तो देखिए लिखा है इस फॉर्म में आ गया, तो रोस्टर फॉर्म हो गया, जहां आपको क्लियर पता है कि क्या दिया हुआ, और उस लैंग्वेज में आ गया तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब देखिए x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको कहते हैं एलिमेंट, इज एन एलिमेंट, और ये सब एलिमेंट है इस सेट का। w होता है होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, बाकी जो नेचुरल नंबर है 0 के बाद 0 एड, तो हो गया होल नंबर ही सिर्फ करा, तो यानी ये इंफिनिटी तक है, इसका कोई अंत नहीं, इसमें टोटल इनफाइनाइट नंबर। अब डी देखिए, डी एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी होल नंबर है तो 0 से चालू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन यहां क्या कह रहा है, लेस देन इज इक्वल टू 4 है या 4 से कम, 5 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इसका मतलब हो रहा है लेस देन इज इक्वल टू, लेस देन भी और इक्वल टू भी, दोनों चीज होता है इसका मतलब। अब देखिए आगे, ई एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ 2 एंड एक्स इज लेस देन 17। 2 का मल्टीपुल क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 आगे भी, लेकिन 17 से कम है, 17 से कम है, यानी 16 तक ही होगा। तो देखिए ये आपका लिखा हुआ है। अब क्या करा, x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 और अपने आप से डिविजिबल होता है, यानी 2, 3, 5, 7। इसमें सिर्फ सेकंड कंडीशन क्या है, x इज इवन, यानी एक ही इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है, वो 2, इसीलिए यहां लिखा गया 2, बाकी कोई भी इवन तो ये सिंगल। अब आइए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म क्या हुआ।
अब सेकंड चीज है एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या हुआ, अब इसको देखते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को लिखा जाता है या तो ऐसे ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट डिनोट, इसको डिनोट दो तरीके से किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक्स हैज नो एलिमेंट, x such that x has no element, यानी empty है, इसमें कोई भी element नहीं, कोई भी चीज नहीं है, empty set इसी को कहते हैं। अब देखिए singleton set क्या होता है, singleton set यानी एक single set हो गया, three ये भी सिंगल है, एक ही एलिमेंट रहेगा, वनली वन एलिमेंट। अब आगे देखिए क्या है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या हो गया, जिसका आप गिनती कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट 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 121, मतलब ये क्या है एक नेचुरल नंबर है 1 से लेके 121 तक, और एक हो गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसकी गिनती की जा सकती है, इट इज काउंटेबल, इसीलिए ये फाइनाइट हुआ, और ये काउंटेबल नहीं है इनफाइनाइट, यानी ये इनफाइनाइट सेट हुआ। अगर ये काउंटेबल नहीं है जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, जो अनंत है जिसका एलिमेंट की काउंटिंग नहीं हो सकती है, वो इनफाइनाइट हुआ, और जिसका एलिमेंट को हम गिन सकते हैं कितना एलिमेंट है उस सेट में, 10 12 15 16 20 कुछ भी हो, 1000 10000 20000 भी हो, लेकिन अगर वो काउंट के अंदर इनफाइनाइट है, अनगिनत है, तो इनफाइनाइट है, नहीं तो बाकी सब फाइनाइट। अब इक्वल सेट क्या, इक्वल सेट क्या हुआ, देखिए दो सेट है ए और बी, अब इसमें है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ फॉलो, और बी क्या हुआ एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ फ्लो, यानी क्या हो गया ए का मतलब क्या हो गया, एक्स क्या है एफ है एल है ओ है डब्ल्यू, और बी भी यही है एफ है एल है ओ है डब्ल्यू, तो दोनों बराबर है, दोनों में जितना भी एलिमेंट है, यानी क्या होता है ए का सारा एलिमेंट, मान लीजिए x इज एन एलिमेंट ऑफ a, देन x इज एन एलिमेंट ऑफ b, और x इज एन एलिमेंट ऑफ b, देन x इज एन एलिमेंट ऑफ b, यानी दोनों में वो एलिमेंट होगा, तो a इज इक्वल टू b, ये सेट का क्या कहलाता है, a इज इक्वल टू b, दोनों सेट बराबर है, समझ गए होंगे। अब इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट, बी इज इक्वल टू ए बी सी, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, एन ए क्या है 3 है, और एन बी क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, दोनों का एलिमेंट बराबर है, एन ए इज इक्वल टू एन बी, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, 3 है ये भी 3 है, यानी दोनों में 3 एलिमेंट है, यानी ये दोनों से इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ए और बी इक्विवेलेंट सेट हुआ।
सबसेट, सबसेट क्या है इसको भी जान लीजिए, व्हाट इज सबसेट। अगर x इज एन एलिमेंट ऑफ a और x इज एन एलिमेंट ऑफ b, मतलब a का सारा एलिमेंट अगर b में आ जाता है तो हम उसको लिखते हैं a इज ए सबसेट ऑफ b। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, a अगर 1, 2, 3 है और b अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, तो ये तीनों एलिमेंट इसका इसमें है, इसीलिए क्या कहेंगे, a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर b का सारा एलिमेंट इसमें कर दिया जाएगा, अब मान लीजिए ये 3 नहीं रहता, ये रहता 4, 5, 6, 7, 8, तो क्या हो जाता, ये उलट जाता, क्योंकि b का सारा एलिमेंट a में है, b इज ए सबसेट, यही चीज है। और b और इस परिस्थिति में a को क्या कहेंगे, a इज ए सुपर सबसेट, सुपर सेट ऑफ बी। सबसेट का परिभाषा आप देख लिए, सुपर सेट क्या हो गया, सुपर सेट यह सुपर सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर बी आ रहा है, जिसके अंदर बी आ रहा है, बी जिसका सबसेट होगा वो सुपर सेट कहलाएगा। अगर बी इज ए सबसेट ऑफ ए तो ए सुपर सेट हो गया, और अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो बी सुपर सेट हो गया। प्रॉपर सबसेट क्या है, ए इज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी क्या है कि ए और बी बराबर नहीं है, कोई एक ऐसा एलिमेंट बी में ज्यादा है, क्या है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू बी। तो यहां आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, यानी ए और बी बराबर नहीं है और ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, तो हम लिख सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, इसको यू से लिखा जाता है, यूनिवर्सल सेट यू। ये कौन सा सेट, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ए 1, 2, 4 है, बी है 1, 2, 6, 8, 2, सी भी कोई सेट है वहां 2, 4, 8, 9, 10। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इज ए सेट इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट, ए बी एंड सी आर प्रेजेंट, यानी ये सब एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो यानी ये क्या होगा, 1 भी होगा 2 भी होगा 4 होगा, इसमें 6 होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 12 होगा, और भी ज्यादा भी कुछ हो सकता है, 13 हो सकता है 14 भी हो सकता है, यानी ये तीनों आना चाहिए, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ यू, बी इज ए सबसेट ऑफ यू, सी इज ए सबसेट ऑफ यू, यानी तीनों का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा। तो यूनिवर्सल सेट आप लोग समझ गए। अब देखिए पावर सेट क्या है, पावर सेट को लिखा जाता है पी ए, यानी कोई सेट ए है, तो पावर सेट ए यानी पी ए उसको इंडिकेट करते हैं, और पी ए क्या होगा इसको जानना है। ये भी एक सेट है लेकिन इसके अंदर एक सेट और होता है, ये एलिमेंट का सेट, जो इसका एलिमेंट इट्सेल्फ एक सेट,
तो इसका मतलब है कि ऑल द सबसेट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ ए। अब इसको आसान सी भाषा में अगर समझना है तो कैसे समझें? हम एक चीज ये जान लीजिए कि जो एम्प्टी सेट होता है ये भी सबसेट ऑफ होल सेट है, क्योंकि ये खाली है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें हो चाहे नहीं हो, ये तो पूरा एलिमेंट इसका इसमें है। तो समझने के लिए अब आप देख लीजिए, इस सेट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक एम्प्टी हो गया जिसमें कुछ नहीं है, इसमें एक सिंगल डिजिट होगा, 1, 2 सिंगल डिजिट का बनेगी, थ्री। अब 2 डिजिट नंबर लीजिए, 1 और 2 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। अब 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 1, 2, 3। अब इस पूरे का सेट ये हो गया आपका पावर सेट, यानी ऑल द सबसेट्स, एक भी उसका सबसेट है, 2 भी सबसेट है, 3 भी सबसेट है, 1, 2 भी सबसेट है, 1, 3 भी सबसेट है, 2, 3 भी सबसेट है, 1, 2, 3 भी सबसेट है, यानी इसका कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है, अगर एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 to the power m। तो देखिए इसमें 3 था, 3 था, एन ए क्या था, 3 एलिमेंट था, तो एन पी ए क्या हो गया, 2 का पावर 3 = 8। देखिए इसमें 8 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और एग्जाम्पल के तरफ समझने का कोशिश करिए हम आपको क्या बता रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है। मान लीजिए ये 3 नहीं होके 4 होते, तो क्या हो जाता है, देखिए यहां पी ए क्या हो जाएगा, इसको अगर आप लिखना चालू करते हैं तो क्या लिखेगा, पहले एम्प्टी सेट, कोई डिजिट नहीं है उसमें, कोई एलिमेंट नहीं, दूसरा सिंगल एलिमेंट, 1, 2, 3, 4 सिंगल हो गया। अब डबल, 1 के साथ 2, अब 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, अब 1 खत्म हो गया, 2 के साथ 3, अब 2 के साथ 4, 2 भी खत्म हो गया, अब 3 के साथ 4, अब 2 डिजिट भी खत्म हो गया, 3 डिजिट में आइए, तो 1 और 2 के साथ 3, 1 और 2 के साथ 4, 1 और 2 खत्म हो गया, 1 और 3 के साथ 4, अब रह गया 2 के साथ 2, 3 और 4, अब 3 भी खत्म हो गया, अब 4 डिजिट में आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, ये आपका टोटल हो गया। अब देखिए काउंट करिए इसको कितना रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितना आया, एन
इसका एलिमेंट आपका कितना आया 16। एन ए क्या था? तो क्या हो जाता फॉर्मूला के अनुसार, टू का पावर फोर यानी टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 60। यही आपका पावर सेट क्या है, इसको समझने में अब आपको आसानी होगा इस एग्जांपल से। ऑल द सबसेट्स, एक परिभाषा सिर्फ यही, ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट इज द पावर सेट ऑफ दैट सेट। अब आइए देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? ए और बी दो सेट, ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 4 5 6, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं, यानी ये डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो दोनों सेट डिसजॉइंट होगा। अब मान लीजिए इंटरसेक्टिंग सेट, अगर इसमें यही आप देख लीजिए, इसी एग्जांपल को बदल लीजिए, ये 4 हो गया, तो दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हुआ जो 4 है, इसीलिए दोनों इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए ये दोनों सेट को कहेंगे ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट। अब क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर इंटरसेक्टिंग सेट्स। अब आइए डिफरेंस ऑफ ए सेट, उस पर लिखा जाता ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी को क्या कहें, ए में से वो सब एलिमेंट निकाल दीजिए जो बी में है, तो बी में कॉमन एलिमेंट क्या था 4, तो इस 4 को अगर निकाल देते हैं, देखिए 1 2 3 4 था और बी में 4 एक कॉमन एलिमेंट है, तो इसको हटा दिया जाए, तो ये जो बन गया ये ए माइनस बी हो गया, इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। अब एक चीज आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, अब देखिए यहीं से समझिए, अगर कोई यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीमेंट देखिए ऐसे लिखा जाता है ए के ऊपर एक डैश, इसका मतलब हुआ यू माइनस ए, इसका मतलब हो गया यू माइनस ए, मतलब ए का वो सारा एलिमेंट हटा दीजिए जो कि यू में है, यानी यू में कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपको हटाना क्या है 1 2 3 4, ये ए में था माइनस करोगे तो ये जो आपका सेट आया। यही आपका ए डैश डिफरेंस ऑफ ए सेट कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। यूनिवर्सल सेट आप जानिए, किसी भी चीज का कंपैरिजन। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, यू का इसका मतलब क्या होगा, यू माइनस यू यानी 0, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं होगा, सारा एलिमेंट हट गया तो एम्प्टी सेट। और एक चीज देख लीजिए, ए का कंप ए कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट क्या होगा,
फिर से ए हो जाएगा। क्यों होता है समझिए, क्या होता है इसको समझिए। अभी देखिए ए डैश मतलब क्या हुआ, यू माइनस ए, तो ए का सारा एलिमेंट आप हटा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, यू माइनस यही चीज हुआ। अगर इसको x मानते हैं तो x का कॉम्प्लीमेंट, अगर इस पूरे को x माना जाए देखिए समझने के लिए, तो x डैश क्या हो जाएगा, u माइनस x, जो सिंपल डेफिनेशन है। तो ये x है, ये क्या हुआ, u माइनस x। अब ये क्या हो जाएगा, u माइनस u प्लस से, सिंपल समय था। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए एक चीज और आपको हम बताना भूल गए, वो क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन। इसको लिखा जाता है, इसका साइन ऐसे है यू जैसा, और इंटरसेक्शन होता है जस्ट इसका उल्टा। इसका मतलब क्या है आप देख लीजिए, ए यूनियन बी, इसको आप क्या लिखिएगा, इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, या तो ए में है या तो बी में है, लेकिन दोनों में से किसी में है। अब ए यूनियन बी क्या हुआ, ए और बी का सारा एलिमेंट, और एक चीज याद रखिए कि सेट में कोई भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता, यानी जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाता। जैसे ए मान लीजिए 1 2 3 4 5, और बी मान लेते हैं 2 4 6 8, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8। अब देखिए ए का सारा एलिमेंट आ रहा है 1 2 3 4 5 2 4 6 8, बी का भी सारा एलिमेंट आ रहा है, यानी यही हुआ ए यूनियन बी। अब ये इंटरसेक्शन क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको अगर समझा जाए, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b, यानी a में तो है ही, b में भी होना है। अब a में तो है और b में भी होना है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, देखिए 2 और 4, यही है सेट, बेसिक यही है। अब आगे देखेंगे कि और क्या क्या है। अब एक प्रूफ है, इसको देखते हैं, ए इज इक्वल टू बी है, ये इंप्लाइज करता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और इसी का वाइस वर्सा भी है। अब ऐसे कर दीजिए, यानी अगर ये दिया हुआ है तो ये, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको प्रूफ कैसे करिएगा, अब मान लेते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, x इज एन एलिमेंट ऑफ b, क्योंकि a इज इक्वल टू b है। अब क्या कह रहा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ b और एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b, इसका मतलब क्या हुआ, a इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका परिभाषा क्या था, इसका परिभाषा आपका क्या था,
एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यही परिभाषा था। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो एक्स का सारा एलिमेंट जो है ए में है, तो एक्स का सारा, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में आता है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब देखिए इसी तरह एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये क्या इंप्लाइज करेगा, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्यों, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा इससे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। तो क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब दूसरा इधर से तो ये हो गया, उधर से देखिए इसको समझिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी और दिया हुआ है बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी। या तो इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एक बाय डेफिनेशन आप जान लीजिए ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्या है, तो ऑल एलिमेंट्स, ऑफ ए इज इन बी, और यहां से क्या है, ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, यानी ए और बी बराबर। अब दूसरा तरीका एक ये है कि अगर आप मान लेते हैं कि ए और बी बराबर नहीं है, सपोजिशन का एक प्रोसेस आता है, तो कोई एक ऐसा एलिमेंट दोनों में होगा, मान लीजिए ए और बी बराबर नहीं, तो कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि कॉमन नहीं, जो कि ए में है बी में नहीं, मान लीजिए एक्स वो एलिमेंट मान लेते हैं ए में है बट एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। अब x इज एन एलिमेंट ऑफ a और a इज ए सबसेट ऑफ b, तो क्या होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ b बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, यानी कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, यानी जो हम माने a इज नॉट इज इक्वल टू b, ये गलत है, a इज इक्वल टू b हो गया। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यानी ये क्या कह रहा है, पहला क्या है, ए यूनियन बी को हम, ए यूनियन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं बी यूनियन ए। दूसरा है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ भी लिख सकते हैं, और जो लॉज ऑफ यूनियन में चलेगा वही लॉज ऑफ इंटरसेक्शन में भी चलेगा, यानी देखिए अगर ए यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी को भी बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को भी हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जिस तरह यूनियन में चलेगा उसी तरह इंटरसेक्शन में चलेगा। अब देखिए ए यूनियन ए, ए ही लिखाएगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट यू लिखाएगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट ए ही लिखाएगा। अब दूसरा इसमें इंटरसेक्शन में देखिए, ए इंटरसेक्शन ए ही लिखाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये भी ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट यानी कोई भी कॉमन नहीं इसलिए ये भी एम्प्टी हो, यही आपका मेजर रूल है जिसको आपको फॉलो करना है। अब देखिए इससे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसी को प्रूफ करना है। तो एक चीज ध्यान रखिए, सेट में कुछ भी प्रूफ करना, तो ये एलएचएस हुआ, ये आरएचएस हुआ,
ध्यान यही रखना होगा कि LHS को पहले आप दिखाइएगा इज ए सबसेट ऑफ RHS और RHS को दिखाइएगा इज ए सबसेट ऑफ LHS। तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। यही बेसिक मेथड है प्रूफ करने का। तो आइए देखते हैं कैसे ये प्रूफ होता है। एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ हम ले लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। पहला स्टेप यही हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अब देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। क्यों लिख सकते हैं, इसके बाद का स्टेप लिख लीजिए। ये क्या होगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब देखिए क्यों लिख सकते, मान लीजिए ये क्या कर रहा है, यहां पे देखिए एक्स या तो ए में है या तो बी और सी दोनों में, यही कह रहा है। मान लीजिए ए में होगा, कोई भी एलिमेंट ए में होगा तो ए यूनियन बी में जरूर होगा और ए यूनियन सी में भी होगा क्योंकि ए में है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है, ए यूनियन अगर ए में होता है तो। अब मान लीजिए ए में नहीं होता है और अगर बी में होता है तो बी और सी दोनों में हो रहा है। तो मान लीजिए बी में है, कोई भी एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी में भी होगा और अगर सी में है तो ए यूनियन सी में भी होगा। तो उस अनुसार भी ये मेरा स्टेटमेंट सही हो रहा है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को लिखा गया है क्योंकि ए में है या तो बी और सी दोनों में है। तो अगर ए में है तो बी ए में या बी में है या फिर ए और सी में है, तो इसी को लिखा गया। अब क्या हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इससे क्या प्रूफ हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये वन हो गया। अब दूसरा, फिर अब इससे इसको ला, यानी लगे y इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको क्या लिखेंगे, y इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन सी। अब इसको क्या लिखेंगे, y इज एन एलिमेंट ऑफ a और y इज एन एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ a और y इज एन एलिमेंट ऑफ c। यानी अगर y इज एन एलिमेंट ऑफ a होता और क्या होगा, y इज एन एलिमेंट ऑफ b इंटरसेक्शन c। क्यों, अब देखिए y a में है तो a में है, अगर y a में नहीं है, इफ a में है तो y इज एन एलिमेंट ऑफ a, अगर y a में नहीं है तो दोनों जगह नहीं होगा। तो क्या होगा, फिर b में होगा और c में होगा, तो b और c दोनों में होगा। तो इसको हम एक लाइन और लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं, y इज एन एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ c। अगर a में नहीं है, देखिए समझिए, अगर a में है
तो वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और अगर ए में नहीं है तो वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ सी, फिर दोनों में होगा, बी यहां भी ए में नहीं होगा तो यहां सी में होगा, यहां बी में होगा तो बी और सी दोनों में, यानी कॉमन एलिमेंट है बी और सी का, तो इसको लिख सकते हैं ए और वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको आप लिख सकते हैं वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इससे क्या हो जाएगा, क्या चले थे यहां, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दूसरा नंबर। अब एक और दो से क्या हो रहा है, इसका एक से क्या हो रहा है, इसका सारा एलिमेंट इसमें, दो से हो रहा है इसका सारा एलिमेंट इसमें, यानी दोनों का एलिमेंट बराबर, यानी दोनों बराबर। अब आइए सेकंड लॉ देखते हैं क्या है, अब देखिए सेकंड लॉ क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको भी उसी तरह प्रूफ करेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी क्या हो गया, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। तो हम क्या कहते हैं, अगर बी का एलिमेंट होगा तब क्या होगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर बी का एलिमेंट नहीं होगा तो और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सी। समझ रहे हैं, ए का तो एलिमेंट है ही, लेकिन बी और सी में किसी एक का, अगर बी का होगा तो एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ए एंड बी दोनों में है, अगर बी का नहीं होगा तो ए और सी दोनों में है, या और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए और सी। तो यहां तो मेरा सही है, इसमें तो है ही, ई दोनों में कोई एक में है, तो क्या होगा कि अगर बी में होगा तो ए और बी में होगा, नहीं तो ए और सी में होगा, अगर बी में नहीं होगा तो सी में होगा, तो ए और सी में होगा। अब देखिए इससे क्या निकलता, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब क्या हो गया, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन सी, इससे क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया वन। अब सेकंड देखिए, हम फिर यहां से इसको लाना है उल्टा, तो y इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको क्या लिखेंगे, y इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और y इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ, y इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ बी और y इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ सी। अब क्या हो गया, या तो y a और b का एलिमेंट है या y a और c दोनों में, a b दोनों में है या a और c दोनों में, तो यानी y a में तो जरूर है क्योंकि यहां भी a में है और यहां भी a में, तो इसको क्या लिखेंगे, y इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड क्या है, y या तो b में है, इज एन एलिमेंट ऑफ b में है या फिर c में, a में तो देखिए यहां से क्या निकला, दोनों में a में है, a में तो है, अब b में हो या c में हो इसमें कंफ्यूजन,
तो यही चीज आपका लिखाएगा बी में हो या सी में। तो ये क्या हो गया, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। इससे क्या हो गया, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इससे आपका क्या आ गया, क्या लिए थे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये हमारा दूसरा हो गया, और एक और दो से फिर वही चीज प्रूफ हो जा रहा है, ये हमारा सही है। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे, अब आगे देखते हैं। अब आइए इससे बेस कुछ क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको आया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इसको प्रूफ करना है। इसको आप उस प्रोसेस से नहीं प्रूफ करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मान के प्रूफ करेंगे। यहां ये प्रूफ करना है। अब देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमको इसको ए लाना है, कैसे लाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, ए यूनियन यूनिवर्सल से क्या होगा, यू होगा यूनिवर्सल सेट, और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए होगा। यहां पे भी देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन या यू इंटरसेक्शन ए होता है। तो हम इस चीज को यहां यूज करेंगे और यहां लिख देंगे, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहां लिखेंगे। तो ए इंटर ए के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वहां से देखिए कहां है, इंटरसेक्शन का है ये, जिसमें ए कॉमन है, बी के जगह यू है और सी के जगह बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन, बी के जगह क्या है, यूनिवर्सल सेट, और सी के जगह क्या है, बी। देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको यूज की इस साइड को, ये यहां से यहां मैच कराइए, ए के जगह ए है, बी के जगह यूनिवर्सल सेट यू है और सी के जगह बी, उसी फॉर्म में हम लिख दिए। अब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन। अब दूसरा जो आपको हम बताए थे यूनिवर्सल सेट यूनियन बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखिए ए लिए थे या लिए, आगे आपका आर एच एस एल एच एस लिए थे, देखिए कितना आसानी से आ गया। अब इसका एक सेकंड एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये होगा ए। अब इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या लिखेंगे, अब इसमें आपको यूज करना है ए को किसका यूनियन लिखेंगे, ए आ जाए, या तो ए का यूनियन लिखेंगे, ए यूनियन ए होता है, या ए यूनियन एम्प्टी सेट ए होता है। देखिए ए यूनियन ए होता है, ए यूनियन एम्प्टी सेट ए होता है, तो हम इसी चीज को यूज करेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब हम क्या किए, ए को लिखे ए यूनियन इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखिए हमारा
इस बार ये फॉर्म आ गया, ये वाला फॉर्म आया, ये वाला ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ये क्या है, ये बी है, और ये क्या है, ये सी के जगह पे है हमारे फॉर्म। तो क्या किए, इसी जगह पे हम लिखेंगे इसको, क्या लिख लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है, फाइव एम्प्टी से, इंटरसेक्शन सी क्या है, बी। देखिए इसको हम बी के जगह लिए, बी इंटरसेक्शन सी होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है बी इंटरसेक्शन सी हमारा, ये क्या होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी के जगह हम एम्प्टी सेट और बी के जगह और सी के जगह बी। देखिए हमारा आ गया, अब देखिए क्या होता है, ए यूनियन एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, किसी भी सेट से एम्प्टी होता है। देखिए इसको हम क्या लिखे थे, ऊपर ये लिखे थे ए इज इक्वल टू आर एच एस इज इक्वल टू, ये हमारा आर एच एस आई। देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया। आइए अब देखते हैं डिमॉर्गन्स लॉ क्या है। डिमॉर्गन्स लॉ पहला क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जिसको टेस्ट बोलते हैं, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यही है आपका डिमॉर्गन्स लॉ पहला लॉ। ये यूनियन पे हुआ, फिर इंटरसेक्शन पे जस्ट इसका उल्टा हुआ। पहले इसको देख लेते हैं कैसे प्रूफ करना। तो क्या करेंगे, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से जो एलिमेंट नहीं है वही हुआ ए यूनियन बी डैश का एलिमेंट। इस ए डैश में क्या होता था, आप लोग जान रहे होंगे कि ए का एलिमेंट छोड़, तो ए यूनियन बी का एलिमेंट छोड़ के जो एलिमेंट, यानी एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और बी, दोनों में किसी में नहीं होगा, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, दोनों में किसी में नहीं होगा। जब ए और यूनियन बी में नहीं है, यानी ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं, क्या हो गया, एक्स यानी एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ बी डैश, बहुत सिंपल। अब क्या हो गया, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इससे आपका क्या निकल गया, इससे आपका क्या निकला, ए यूनियन बी होल डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये पहला हो गया। इसी का उल्टा हमको दूसरा प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या शो कर रहा है, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी डैश, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी क्या कह रहा, वाई इज नॉट एन एलिमेंट, जब ए का एलिमेंट नहीं है और बी का एलिमेंट नहीं है तो ए यूनियन बी का भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये क्या कह रहा है, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश। अब इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया, कहां से चले थे, यहां से चले, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल डैश।
ये हो गया आपका दूसरा। अब वन और टू से आपका क्या प्रूफ हो रहा है, ये चीज प्रूफ हो जा रहा है। अब आइए डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा नियम देखते हैं, सेम उसी तरह उसका भी प्रूफ चलेगा। प्रूफ हमको इसी तरह करना है, जनरल प्रूफ आपका यही है। रूल ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं, सेकंड लॉ क्या है डी मॉर्गन्स लॉ का। ए इंटरसेक्शन बी होल्ड का कंप्लीमेंट क्या हो, ए डैश ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी डैश बी का कंप्लीमेंट। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल, इसका मतलब क्या हो गया, x किसका एलिमेंट नहीं है, a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है। अब देखिए यहां जो लिखा हुआ है इसको समझिए क्या कर रहा है, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी x ए का एलिमेंट नहीं है या तो बी का एलिमेंट नहीं है, किसी एक में हो सकता है। इंटरसेक्शन क्या कहता है, दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, ये एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं, यानी एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, दोनों में किसी एक में नहीं हो सकता है तो फिर कॉमन में नहीं होगा। अगर किसी एक में कोई एलिमेंट नहीं होगा तो दोनों के इंटरसेक्शन में वो कॉमन नहीं हो सकता, इसीलिए अब इसको फिर क्या लिखेंगे, x इज एन एलिमेंट ऑफ a या x इज एन एलिमेंट ऑफ b, a डैश और b डैश। अब क्या हो गया, x इज एन एलिमेंट ऑफ a डैश यूनियन b डैश, यानी इससे आपका क्या निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी, ये वन हो गया। अब दूसरा क्या चलेगा, मान लीजिए वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या हो रहा है समझिए, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए डैश और वाई इज एन एलिमेंट ऑफ बी डैश। देखिए अब इससे क्या निकल रहा है, वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए और वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, इससे क्या हो जाएगा, या तो ए का एलिमेंट नहीं है या तो बी का एलिमेंट नहीं होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा क्योंकि दोनों में किसी एक में है का एलिमेंट नहीं है, तो किसी एक में है तो क्या हो जाएगा, Y is not an element of A intersection B। इसी को समझना है, Y A में नहीं है या फिर B में नहीं है, तो यानी दोनों के कॉमन में नहीं है, किसी एक में तो नहीं है, अगर A में होगा तो B में नहीं है, B में होगा तो A में नहीं, तो यानी उसके इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, Y is an element of A intersection B। इससे आपका क्या प्रूफ होगा, इससे आपका क्या प्रूफ हो रहा, देखिए इससे आपका क्या प्रूफ हो जाता है, यहां से क्या आ गया, चले कहां से थे, ए डैश यूनियन बी डैश इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये दूसरा हो। अब वन और टू से हमारा ये चीज प्रूफ हो जा रहा है, देखिए कितना सिंपल। अब आगे देखते हैं, और अब क्या है, ए माइनस बी यूनियन सी क्या होगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, इसको कैसे प्रूफ करिएगा, इस चीज को आप कैसे प्रूफ करिएगा, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, उसी तरह चलेगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी,
ये क्या कह रहा है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b यूनियन c. b यूनियन c में नहीं. इंप्लाइज क्या कह रहा है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c. b और c दोनों में नहीं है. इससे क्या पता चलता है, लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b एंड इसी तरह लिख सकते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ a बट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c. यहां से क्या हो गया, x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b. अब इससे क्या हो जाएगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस a a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस. एक फिर इसी का अपोजिट चल रहा है, प्रोसेस यही, आपको सेम प्रोसेस को अब क्या करिएगा. देखिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, x a माइनस b अगर कहा जाता है तो उसका क्या होता है, x a का एलिमेंट है उसमें b का जितना एलिमेंट है उसको माइनस कर दिया गया, यानी इसका एलिमेंट नहीं है, बी माइनस सी एक्स का एलिमेंट नहीं है. बी यूनियन सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी. कहने का मतलब यही, देखिए यहां आपको समझना क्या है, कैसे आया एक्स माइनस बी, जैसे हम लोग लिखते थे उसमें क्या होता था, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, एक्स का जितना बी का एलिमेंट है ए में उसको माइनस कर दिया जा रहा, तो यानी इसमें जो एलिमेंट था उसका माइनस करके आ रहा, यानी एक्स ए में है लेकिन इसमें नहीं. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए में है बट एक्स बी और सी दोनों में नहीं, क्योंकि दोनों किसी में होगा तो फिर यूनियन में होगा. मान लीजिए बी में होता है या सी में होता है तो बी यूनियन सी में होना ही है, इसीलिए दोनों में किसी में नहीं होगा. किसी एक में भी होने से अगर बी में होगा तो भी बी यूनियन सी में होगा, और अगर सी में होगा तो भी बी यूनियन सी में होगा. इसीलिए यहां एंड लिखा गया, एक्स बी में भी नहीं है और सी एंड सी में भी नहीं. इससे क्या निकलता है, एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं, एक्स ए में है लेकिन सी में भी नहीं, यानी ए माइनस बी ए माइनस. अब यहीं से उल्टा चलिए, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी. ये क्या कह रहा है, y इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस बी एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस सी. इससे क्या निकलता है, y इज एन एलिमेंट ऑफ a बट y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ a बट y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c. यहां से क्या कह रहा है, y इज एन एलिमेंट ऑफ a, y इज एन एलिमेंट ऑफ a, यानी y इज एन एलिमेंट ऑफ a बट y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c, y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b एंड y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ c. अब क्या हो गया, y इज एन एलिमेंट ऑफ a बट y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b एंड c में दोनों में नहीं है, यानी b यूनियन c में भी नहीं होगा. इंप्लाइज y इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b यूनियन c. इससे क्या निकल जाएगा, देखिए हम यहां से चले थे, a माइनस b
इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी, ये आपका दूसरा हो गया। एक और दो से हमारा ये चीज प्रूफ हो जा रहा है। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज कैसे चल रहा है बस इसी को समझना है। यहां हम क्या लिखे, वाई ए माइनस बी, ए में भी नहीं, ए में है लेकिन बी में नहीं, यहां भी वाई ए में है लेकिन सी में नहीं, तो क्या हो रहा है कि वाई ए में तो है दोनों तरफ से आ रहा है, बी और सी दोनों में नहीं, तो बी और सी दोनों में नहीं। तो बस अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं कैसे लिखना है तो प्रूफ बहुत आसानी से होगा। इसी तरह आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ उसी तरह चलेगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस बी मान लेते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b। a माइनस बी क्या होता है, b का सारा एलिमेंट हटा दीजिए a से, यानी a में जो एलिमेंट है वो b में नहीं। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ b डैश, यानी x इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। बड़ा सिंपल सा। अब यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। जब इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो सबसेट हो रहा है, ये वन हो गया। अब दूसरा, अब इधर से चलेंगे, y इज एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, यानी क्या कह रहा है, y इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ b डैश। ये क्या कह रहा है, y इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, यानी क्या हो गया, ये हमारा डिफिनेशन है y इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b। अब इससे क्या प्रूफ हो गया, a इंटरसेक्शन b डैश इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस बी। दूसरा देखिए, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए माइनस बी का क्या लैंग्वेज क्या लिखा जाता था, ए में है बी में नहीं, वही चीज हुआ ए माइनस बी आ गया। अब इससे क्या आ जाएगा, वन और टू से आपका क्या आ रहा है, ये दोनों बराबर हो रहा है। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ये देख रहे हैं, अब इसको देखते हैं क्या है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यहां सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमको छोटा एक्स नहीं लेना है, छोटा एक्स एलिमेंट होता है लेकिन यहां एक्स क्या है, यहां एलिमेंट खुद ही एक सेट है क्योंकि पावर सेट का बात हो रहा है, यानी हम ये कह रहे हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ p a इंटरसेक्शन b। बड़ा एक्स पहला चीज यही है। अब क्या हुआ, x खुद एक सेट है, a इंटरसेक्शन b का जो पावर सेट है उसका एक सेट है, यानी x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी कुछ निकल के आता है वन और टू, और एक्स क्या है, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट, यानी देखिए इसको समझिए, एम्प्टी सेट भी है या फिर इसको एम्प्टी सेट ऐसे लिख लीजिए या वन टू लिख लीजिए। तो ये अब मान लीजिए x किसी एक इसमें से कोई एक एलिमेंट है, ये टू, तो टू क्या है, ये इसके सबसेट होगा क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें आ रहा है। समझने के लिए था, अब आइए क्यों लिखा जाता है। x क्या हुआ, x आप देखें कि टू भी एक सेट,
एच इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी। अब क्या है, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, देखिए यानी एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए एंड एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट बी। अगर एक्स एलिमेंट होगा पावर सेट का कोई सेट ए का, तो यानी एक्स इज ए सबसेट ऑफ डेट सेट, और एक्स अगर सबसेट है किसी सेट का ए का, तो यानी उसके पावर सेट का वो एलिमेंट भी होगा। तो ये चलिए यहां आ गए, अब क्या हो जाएगा, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी ए। अब यहां से हमारा क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये वन हो गया। अब दूसरा पोर्शन हमको यहां से लाना है। अब मान लेते हैं वाई इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी, इसको क्या लिखेंगे, वाई इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए एंड वाई इज एन एलिमेंट ऑफ पी बी। ये छोटा वाई गलती से लिखा गया है, यही आपको ध्यान रखना है, छोटा वाई नहीं होना चाहिए, बड़ा वाई। छोटा वाई एलिमेंट हो गया और वाई एक खुद डिनोट कर रहा है कि सेट है। अब क्या हो गया, वाई एक सेट है पी ए का, यानी वाई इज ए सबसेट ऑफ ए एंड वाई इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी क्या हो गया, वाई ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है, तो वाई इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट हो गया। जब वाई ए का सबसेट है वाई बी का सबसेट है, यानी वाई ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, यानी वाई दोनों में कॉमन है। ये क्या कह रहा है, वाई वाई इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर यहां से हमारा क्या आ गया, पी ए इंटरसेक्शन पी बी, इज ए सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये दूसरा हो गया, इससे हमारा ये प्रूफ हो जा रहा है। वन और टू से क्या होगा, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी दोनों बराबर है। देखिए पावर सेट ए इज इक्वल टू पावर सेट बी, देन ए इज इक्वल टू बी। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम मान सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए, होगा ही, एक सेट खुद का अपने सेट का तो सबसेट होता ही, क्योंकि उसका सारा एलिमेंट उसमें है। ये क्या इंप्लाइज करता है, इज ए एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। सबसेट से एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ तो पावर सेट का हो गया। ये क्या है? करेगा ए इज एन एलिमेंट ऑफ पी बी, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, यानी ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक मेरा ये आ गया, हमको प्रूफ करना ए इज इक्वल टू बी, तो हमको पहला प्रूफ करना होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी,
दूसरा प्रूफ करना होगा बी इज ए सबसेट ऑफ। अब हम ये भी लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको क्या लिखेंगे, बी इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट बी, इसको क्या लिखेंगे, बी इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए, क्योंकि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, ए की जगह बी लिखेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब देखिए यहां हमारा दूसरा आ गया, अब क्या हुआ, ये दोनों मेरा आ गया तो ए इज इक्वल टू बी प्रूफ हो गया, देन ए इज इक्वल टू बी फ्रॉम वन एंड टू ए इज इक्वल टू। देखिए कितना आसान है एक दूसरे को प्रूफ करना। अब आइए और एक चीज देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। अब इसको आप इधर उधर करिएगा तो बहुत सारा चीज आपका निकलेगा। अब आइए इसका एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। फॉर्मूला जो है मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको इसको प्रूफ करके बताऊंगा। अब इसको ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए तो क्या होगा, एन ए यूनियन बी प्लस एन बी की जगह सी सी माइनस एन क्या हो जाएगा, ए की जगह है, ए की जगह क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए कहां आए आप, यहां से यहां इसको ए ले लिए और इसको बी ले लिए, इसको हम ये भी लिख सकते थे ए यूनियन बी यूनियन सी, बात एक कोई भी चीज हो। अब देखिए यहां तक हम पहुंच गए, अब ये चीज यहां फिर आ गया, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस अब आ जाइए एन सी माइनस एन। अब इसको कैसे लिखेगा, इसको अगर आप तोड़ते हैं कैसे टूटेगा, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रेक कर दिए तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। अब क्या हो गया भाई, एक स्टेप और आगे आ गया, एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी, अभी तीनों साथ लिखते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी यहां तक हो गया माइनस एन। अब ये क्या है, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन। अब इसको आपको लिखना है, इस ये हो गया ए और ये हो गया बी, या ये क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कैसे क्या हो रहा है,
इसको समझिए, हम इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, तो क्या होगा? एन एक्स, देखिए एन एक्स प्लस एन वाई, देखिए एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। यहां तक समझ गए होंगे। अब इसको तोड़ के लिखा गया, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लिया गया तो ये आया। अब इसको आप मान लीजिए एक्स मान लिए और इसको वाई मान लिए, फिर अब इसको भूल जाइए, यहां तक आप समझ गए, तो क्या होगा? एक्स, देखिए एक्स यूनियन वाई, एक्स एन एक्स एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इन इंटरसेक्शन वाई। ये एक्स था, एक्स आया एन एक्स, ये वाई था एन वाई आया, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आया। अब इसको भी मिटा दीजिए। अब उम्मीद है कि समझ गए होंगे इस कंफ्यूजन। अब इसको क्या लिखिएगा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस, अब देखिए ये माइनस क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको भी बाहर लेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एन, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आइएगा तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारा यही फॉर्मूला है, इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यही हमारा फॉर्मूला है, कैसे चला इसको समझना है, सिर्फ इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आपका सारा बन जा रहा है। सिर्फ आपको याद रखना है कि हम इसको एक्स माने, इसको वाई माने, एक्स इसके जगह लिखे वाई इसके जगह लिखे, एक्स इसके जगह लिखे वाई इसके जगह लिखे। चलिए अब आगे देखते हैं वेन डायग्राम क्या है, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। व्हाट इज वेन डायग्राम? देखिए वेन डायग्राम ये क्या है? अब देखिए ये डायग्राम के तौर पे बनेगा, अब इसको देखते जाइए। ये एक सेट बन गया, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ये हो गया यूनिवर्सल से। लेकिन हम आपको एक ही में सारा स्टेप समझा देंगे कैसे क्या होता है। ये सेट ए बन गया, तो ये जो ये ए है तो ये क्या हो गया बचा हुआ, इसको ए डैश लिखेंगे। देखिए कहां कहां कैसे कैसे डायग्राम बनाइएगा, तो ए डैश पूछा जाएगा तो ये ए डैश हुआ, इसको आप घेर दीजिए, ये ए डैश हो गया। अब देखिए अब समझिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट ये, अब ये बी बना, बी भी अलग है ए भी अलग है, यानी ए
एंड बी आर डिसजॉइंट से, यानी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। देखिए फ्रेंड, डायग्राम से आपको सारा चीज बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब इसको मिटा दीजिए। देखिए एक डायग्राम में क्या, अब ये बी बना, अब क्या हो गया, ए और बी इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट्स, अब ये क्या हो गया, इसको आप क्या मानिएगा, ये जो हुआ ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में जो कॉमन हुआ इसको क्या लिखेगा, ए माइनस बी, ये जो बचा हुआ है यहां से ये ए माइनस बी, बी का ये देखिए बी था, बी का एलिमेंट को माइनस कर दिया। अब उसी तरह ये क्या लिखाएगा, b माइनस ए, इसमें ए का एलिमेंट माइनस कर दिया। अब दूसरा देखिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी, अब देखिए ये क्या हो गया, इसको समझने की कोशिश की, ये क्या होगा, इसको क्या लिखेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों में जो कॉमन है ये हो गया। ये क्या हो गया, इसको क्या, देखिए इसको क्या पढ़ लिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये क्या था, ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसमें सी को माइनस कर दिया गया। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन है, तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए, ए का पोर्शन इसको माइनस कर दिया गया। उसी तरह ये पोर्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, इसमें बी को माइनस कर दिया गया। इस पोर्शन को क्या लिखिएगा, ए माइनस बी यूनियन सी, ए में नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इस पोर्शन को क्या लिखिएगा, ए में बी को घटा दिया और ए में सी को भी घटा दिया, और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है यही हुआ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस, ये आपका, क्योंकि इसमें बी भी नहीं है और सी भी नहीं, तो ए से बी हटाए और ए से सी हटाए, ए से सी हटाए और ए से बी हटाए, और जो तो कॉमन आए उस एरिया को ये लिखें। अब इसको क्या लिखेंगे, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, इस पोर्शन को क्या लिखेंगे, उसी तरह सी माइनस ए
इंटरसेक्शन सी माइनस बी। अब यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा वेन डायग्राम कैसे बन रहा है। आइए अब देखते हैं एग्जांपल कैसे सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन है, इन ए क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री, 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स। यानी क्या करा, 18 फिजिक्स लिया, 23 आदमी केमिस्ट्री लिया, 24 आदमी मैथमेटिक्स लिया। मतलब जो भी स्टूडेंट है उसमें 18 स्टूडेंट फिजिक्स, 23 स्टूडेंट केमिस्ट्री, 24 स्टूडेंट मैथमेटिक्स, 13 उसमें ऐसा था जो कि केमिस्ट्री और मैथ दोनों में, 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, 11 मैथ और फिजिक्स दोनों में, और 6 ऐसा आदमी है जो तीनों सब्जेक्ट लिए हुए। तो आपको फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आप देखिए। अब हम आइए आपको हम पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं क्या है। सब्जेक्ट क्या क्या है, फिजिक्स, फिजिक्स लेने वाला कितना स्टूडेंट है, 18। यानी ये जो पूरा सर्किल है ये 18 है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लेने वाला कितना स्टूडेंट है, 23, 23। और ये मैथ, ये कितना है, 24। हम ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, पी से फिजिक्स, सी से केमिस्ट्री, एम से मैथ। अब क्या कहता है कि अब इसको आइए, 6 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, यानी ये 6 है जो तीनों सब्जेक्ट ले रहा है, ये तीनों में है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ये तीनों में है, तो ये 6 है। अब क्वेश्चन को और समझने का कोशिश करिए, क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स 13 आर बोथ इन केमिस्ट्री इन मैथ, केमिस्ट्री और मैथ में कितना है, ये पूरा है, केमिस्ट्री और मैथ में ये पूरा है, कितना स्टूडेंट है, 13 आर बोथ इन केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी 13 है, तो यहां 7 होगा, 7 और 6 13। देखिए ये टोटल 13 है, 6 तो हमको मिल चुका है, ये 7। अब क्या कह रहा है, 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये पूरा में, यानी यहां 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6। उसके बाद कह रहा है 11 इन मैथ एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स 11, यानी ये 5 हो गया। अब देखिए अब आपको कितना चीज यहां से निकल गया, ये पूरा सर्किल कितना है, 18, 6, 6, 12 और 5, 17 यहां आ चुका है, तो यानी यहां 1 है, यहां टोटल 23 है, 6, 6, 12, 7, 19, यहां यहां 4 है, 5, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तो यहां 6 है, जो कि 24 मैथ में था। अब आप का ये वेन डायग्राम पूरा सॉल्व हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ऐड कर लीजिए, 1, 6, क्या करिएगा, 1 + 6 + 6 + 5 + 6 + 6 + 5 + 6 + 7 + 6 + 7 + 4, इतना ही स्टूडेंट, यानी 7, 6, 13, 18, 24, 35 टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 35। देखिए इसका आंसर आपका यहां आ गया, 35। अब दूसरा, पहला सॉल्व हो गया आपका, अब दूसरा क्या कह रहा है,
हाउ मैनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. मैथमेटिक्स क्या हुआ बट नॉट केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री वाला क्या है ये लाइन से उधर. तो 6 + 5 = 11. दूसरा भी आंसर आ गया 6 और 5, क्योंकि ये 6 और 7 केमिस्ट्री में है, इस सर्किल में है, केमिस्ट्री के सर्किल में. हाउ मैनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, यानी 1, 2 और 3 = 11. देखिए तीनों आपका सॉल्व हो गया. वेन डायग्राम से सॉल्व करना कितना आसान है, बहुत इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा. वेन डायग्राम को अगर ध्यान से रखा जाए तो कितना आसानी से आपका सॉल्व हो गया. देखिए कुछ नहीं था, आपको सारा चीज दिया हुआ है. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. अगर इसको फॉर्मूला से बनाना रहा तो आपको दिया हुआ क्या है ये सोचिए, ये क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है. एनपी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है. हाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है. फिजिक्स लेने वाला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 18. केमिस्ट्री लेने वाला कितना है 23. और मैथ लेने वाला कितना है 24. इसके बाद क्या कह रहा है, मैथ ऑफ दीज 13 आर बोथ इन केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी इन क्या कहता है केमिस्ट्री एंड मैथ दोनों में 13. 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. और क्या दिया हुआ है 11 मैथ एंड फिजिक्स. और तीनों का क्या दिया हुआ है, जो तीनों लिया है वो आपका 6 है. अब आप इसको फॉर्मूले पे पुट कर लीजिएगा, ये आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. आपको जो निकालने का है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, एन पी यूनियन सी यूनियन एन. इसको आप फॉर्मूला पे लिख लीजिएगा तो आपका आ जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, यानी आपका आ जाएगा 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 6. फॉर्मूला पे आइएगा माइनस 13 माइनस 12 माइनस 11 क्या आएगा, ये चारों को ऐड करिएगा तो क्या आएगा, ऐड करने पे आ रहा है 71. और ये सबको ऐड करिएगा तो कितना घटाना पड़ रहा है 36. तो आपके पास बचा क्या 35. देखिए आंसर यहां से दे दिया है. अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री. देख ही लेते हैं. अब देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट मैथ बट नॉट केमिस्ट्री. तो मैथ लेने वाला आपका स्टूडेंट कितना है 24 ऑफर्ड मैथ, और केमिस्ट्री और मैथ दोनों कितना ले रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा n मैथ माइनस n मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री. तो आपका आ जाएगा क्या आएगा, इसको केमिस्ट्री कर लीजिए. तो आपको निकालना यही कि मैथ लिया है लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिया. मैथ कितना लिया है आप देख लीजिए 24, और केमिस्ट्री का कितना है जो दोनों में है मैथ एंड केमिस्ट्री 13. तो आपका आ गया 11.
इसी तरह आगे बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसको टाइप करें ताकि मैं उस पर भी कुछ वीडियो बना सकूं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।